गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज इतना मतलब थकान हो रही है, तो इसमें मतलब क्या कह सकते हैं, आज जिम गया था तो आज थकान बहुत हो रही थी। और ठंड भी आज इतनी है कि कल ठंड की वजह से मेरे को शोल्डर पेन थोड़ा बहुत हो रहा था। अगर लास्ट वाला व्लॉग नहीं देखा तो ज़रूर देखना। और इतना पेन हो रहा था कि पकड़ में मतलब जो सब्जी का थैला वो ही नहीं पकड़ पा रहा था। बहुत मुश्किल हो जाता है जब भी करता हूँ तो। और आज ठंड भी बहुत है, तो आज एक्सरसाइज की तो कम से कम बॉडी नॉर्मल हो गया। और मतलब शोल्डर का पेन सिर्फ एक दिन का ही होता, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको एक गर्माहट चाहिए कि नॉर्मल हो जाए। तो आज कोई दिक्कत नहीं है। और अभी मेरी क्लास शुरू होने वाली है, तो क्लास करने के बाद मिलते हैं। सो वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। ओ भाई, तो इतनी देर तक काम चल रहा है, शाम तक अभी 6 बज रहे हैं और 6 बजे तक अभी काम ही काम करता रहा हूँ, काम ही होता रहा है और पूरा दिन निकल गया। आज सोच रहा था कि छत पे चला जाऊँ बट हो ही नहीं पाया और कुछ भी नहीं कर पाया। पता नहीं क्या मतलब, व्लॉग भी नहीं बन पाया। बस मैं बैठा हूँ, चाय है और व्लॉग को मैंने कैसे करके मैंने बस अपलोड कर दिया है। और अब वाईफाई चल रहा है, अब चलो वाईफाई भी अब काम करने लग गया है। और वाईफाई के बारे में क्यों बता रहा हूँ, उसके लिए आपको लास्ट व्लॉग देखना पड़ेगा कि क्यों बोल रहा हूँ इतना। और वैसे कहा जाए, कल मैंने अराउंड 11:50 या 12:45 के आसपास किया होगा। तो उस वक्त था क्या कि मेरे ऑफिस वाले फ़ोन में मतलब हॉटस्पॉट के थ्रू मैंने अपलोड किया था। और वो जो स्पीड थी भाई साहब, कल की स्पीड तो मैं हैरान हो गया, लिटरली हैरान हो गया। मतलब सिर्फ 1 GB के ब्लॉग को उसने 20 मिनट ही टाइम लगाया कि भैया 20 मिनट में पूरा ब्लॉग पूरा अपलोड हो जाएगा और प्रोसेस भी हो जाएगा। प्रोसेस का मतलब क्या है कि जब भी आप कोई ब्लॉग अपलोड करते हो ना, तो अपलोड करते वक्त ना वो पहले SD डेफिनेशंस में वो पहले प्रोसेस करता है, फिर उसके बाद HD में करता है। तो उसमें क्या होता है कि SD में क्या होता है कि जब पूरा फाइनल वीडियो होता है, तो जैसे आप लोग वीडियो देख रहे हो, तो आपके में जैसे आपके में क्वालिटीज होती हैं कि आप कितने अच्छे क्वालिटी में आप देखना चाहते हो। तो वो उस चीज में वो क्वालिटी पूरा चेक करता है पूरे वीडियो को कि वो किस क्वालिटी में है, 360p में, 480p में, 720p में, या 1080p में, या 4K में है, या उससे भी ज्यादा है। तो वो उस चीज में वो YouTube अपना वो चेक करता है कि SD डेफिनेशन में क्या वो बिलोंग करता है या HD डेफिनेशन में वो बिलोंग करता है। तो उसमें ज्यादा टाइम लगता नहीं है एक्चुअल में, और मतलब वो है ही मिनिमम 1 से 2 मिनट का है, तो वो हो जाता है। और ये मतलब 20 मिनट में पूरा व्लॉग अपलोड हो जाना, रिलीज हो जाना, प्रोसेस हो जाना 20, ये मतलब एक यूट्यूबर की ना मतलब वो एक हार्ट टचिंग मोमेंट है यार, कि चलो बढ़िया है, 20 मिनट में सब कुछ हो गया, तो चलो बहुत ही बढ़िया अचीवमेंट है। और वैसे कहा जाए कि मतलब इतना वैसे बोलते नहीं है, बट लोग इतना बोलते नहीं है कि कैसे अपलोड करो, लैपटॉप से ही अपलोड करो। बट मैं कहता हूँ कि अगर आपका फाइनल रेंडर्ड वीडियो अगर आपके फोन पे ही है, जो अभी फोन पे ही व्लॉग एडिट करते हैं, तो मैं अभी फोन पे ही मैं अपना व्लॉग एडिट करता हूँ, तो फोन से ही उसको अपलोड कर दो अगर वाईफाई नहीं है तो। यार कसम से कहा जाए, आज इतनी बोरियत हो रही है, इतनी बोरियत हो रही है कि क्या ही बोलूंगा यार। मतलब कुछ करने को भी नहीं है और इतनी ठंड भी है कि मतलब बाहर जा भी नहीं पा रहा हूँ और मतलब जा भी नहीं सकता हूँ। एक अलग चीज़ है क्योंकि मेड आने वाली, तो काम होगा अभी घर पे, तो क्या ही कर सकते हैं। और इतनी ठंड है कि मैं कुछ भी करने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, और मतलब थका हुआ सा मतलब कुछ भी फील नहीं कर रहा हूँ, फिर भी इतनी ठंड है यार। मतलब रजाई के अंदर पड़े ही रहो। अब कौन आ गया? आइए पिताश्री। नहीं, आप पहले ही बुला लिया, बोल दिया कि पनीर लेने जाओ, घर में कदम भी नहीं रखे हो लिटरली। चलो जाता और कुछ हूँ। लाना है? 100 रुपये का
हाथ में ज्यादा पैसे हो तो क्या करते हैं। यार यहाँ पे जब भी बाइक देखता हूँ ना तो बाइक चलाने का ना बहुत मन करता है, और स्पेशली यहाँ पे एक बाइक पर रखी है वो ही ये, हाँ ये रॉयल एनफील्ड की रखी है बाइक। और रॉयल एनफील्ड जिनको पता नहीं है, मेरे को रॉयल एनफील्ड से बहुत ज़्यादा प्यार है, और क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम मैंने जब बुलेट चलाई थी तो मैंने चलाई थी गोवा के टाइम पे, और गोवा की ट्रिप मेरी बहुत ही बढ़िया गई थी, और मतलब मैं पापा मम्मी खुद गए हुए थे, और इतना मतलब ऑसम ट्रिप था यार। मतलब उसमें मतलब बाइक राइडिंग करी, और बाइक राइडिंग में स्पेशली हमने यही राइडिंग करी हमने इस बार हमने बुलेट से ही। और यार मतलब एक है ना, मेरे पास पहले बाइक भी थी, और बिकॉज ऑफ मी वो मेरी एक बाइक बंद पड़ गई, और वो थी पल्सर 150 cc 2003 एडिशन, मतलब जो सबसे पहला एडिशन है था वो, और वो पूरा मेरा खराब हो गया था। और अब देखो क्या कह सकते हैं इस बारे में, मतलब बाइक जाती तो बहुत गलत लगता है, बट अब देखो आपका सपोर्ट होता तो एक दिन बाइक भी आ जाएगी घर पे। अभी जस्ट मैं चेक कर रहा था अपने उस पे गैलरी पे, क्योंकि मुझे लगा कि जब हम रिकॉर्डिंग अभी मैं जब जाते वक्त कर रहा था ना, तो मुझे लगा ये फिर से ब्लूटूथ वाला पंगा ना हो जाए, और ब्लूटूथ वाला पंगा हो गया तो वो फिर गलत हो जाएगा, और वो मैं नहीं चाहता हूँ कि दोबारा हो। और अब क्यों पहना हुआ था, हाँ तो अब कहा जाए। और वैसे भी मैंने अभी इसका गोरिल्ला पॉड का मैंने फिर से टेस्ट लिया है, और गोरिल्ला पॉड वाली अगर वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखो, और मतलब मैंने दिखाया कि गोरिल्ला पॉड देखने में कैसा है। और अगर आपको फिर भी ये वाला अगर आपको लेना है गोरिल्ला पॉड, तो मैं फिर से इसका मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देखो, और खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो, वो आपकी चॉइस है। और इसका मैंने टेस्ट लिया अभी जस्ट, आप ये टाइम लैप्स जो देख रहे हो वो मैंने मतलब इस तरीके से सेटिंग की है कि ये वाला जो है ये साईं बाबा जी का है, ये साईं बाबा जी का प्लाक है, और इस प्लाक पे ना मैंने मतलब ये मैंने ट्राइपॉड ऐसे मोड़ दिया था, और वैसे देख रहा था कि इसको मोड़ने के बाद अगर वो फिर भी वो मतलब एक तो बंद गया वो तो ठीक है, वो तो किसी भी गोरेला पॉट से हो जाता, ट्राईपॉट से भी हो जाता, तो वो कोई दिक्कत नहीं थी। बट जो मेन जो उसका था वो इसका ये था कि जो हर एक बम पे होता क्या है कि अगर मेरा पुराना वाला होता, अगर पुराना वाला भी लेना चाहते हो जरूर लो, वो भी इसका मैं डाल दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन पे। तो जो मैंने इसको कवर किया, और मुझे लगा कि चलो इसका बम्प टेस्ट लेते हैं, अगर बम्प में अगर वो हिला भी, या हिला छोड़ो अगर वो गिर गया, क्योंकि मैंने इसको इतना टाइट नहीं बांधा था, अगर वो गिर गया तो इसका मतलब ये भी इट्स ऑफ नो यूज, ये कुछ टाइम के लिए ही होगा टेम्परेरी, फिर मुझे खरीदना पड़ेगा वैसा है। बट ये नहीं, इसने मेरे को प्रूव कर दिया कि मतलब भले मैं लेग्स डे नहीं मारता हूँ फिर भी मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, और वाकई में बहुत स्ट्रांग है ये। मतलब एक्चुअल में कहा जाए, टॉकिंग अबाउट गोवा ट्रिप, पापा हम लोग गोवा गए थे लास्ट डे, अरे कोइंसिडेंटली मैं गोवा ट्रिप की बात कर रहा था, पापा ने गोवा की शर्ट पहनी, मतलब ये गोवा से ही खरीदी गई थी, ये गोवा से ही खरीदी गई थी, तो मैं ये बात तो मैं ये बात कर रहा था। गोवा याद आ रहा है। हाँ वो गोवा की वो नहीं याद आ रही, बाइक ट्रिप गोवा
हाँ बुलेट, अरे हाँ बिल्कुल याद है। वो इसलिए याद है क्योंकि नीचे एक बुलेट खड़ी थी ना। तो ये बता रहे थे कि हम लोग इतना घूमे थे, हम लोग पूरा मतलब हमने साउथ गोवा पूरा हमने पूरा अच्छे से एक्सप्लोर किया था, मतलब सारी बीचेस, बागा बीच और कौन सी थी, बागा बीच था और एक था वो कलंगुट पे, तो उनके ध्यान में तो वहां वो ले लिया था ना फ्लैट। हाँ इंटरप्शन, मम्मी का फोन आ गया था। मैं कह रहा था कि वहां पे मतलब बहुत सारी हमने बीचेस एक्सप्लोर करी थी थ्रू बाइक, और मतलब बाइक की जो ट्रिप होती है वो अलग ही ट्रिप रहती है इन कंपैरिजन अगर कोई नॉर्मल कार ट्रिप हो। बिलो 4 डिग्री, हेलो पैंग कराओ जैकेट, 4 डिग्री पैंग कराओ, जाओ जाओ जाओ, इतनी खुशी भी मत पालो कि पता चला गोवा में नहीं हो तुम, दिल्ली में हो। गोवा की शर्ट पहनने से गर्मी नहीं आती है। आज कौन सा नमक खा लिया भैया कि इतना काला नमक? काला नमक पूछे, मतलब क्वेश्चन पूरा पूछा नहीं, पहले ही आंसर देती। मजे की बात ये थी कि हम लोग का जो होटल था, जो पापा कह रहे थे, वो बीच के जस्ट बगल में था। मतलब जैसे कि यहाँ होटल है, होटल क्या, वो एक फ्लैट रेंट पे था, तो फ्लैट के जस्ट बगल में बीच है। मतलब कदमों पे ही है, 2 कदम रखते ही बीच है। तो मतलब बहुत बहुत ज्यादा मजा आया था, और जितना हमें दिन में गर्मी मिलती थी उतना ही हमें रात में बहुत मतलब ठंड बहुत मिलती थी। बहुत मजा आता था हम लोगों को, और मतलब हम लोग तो यही प्रे कर रहे हैं कि दोबारा जाए। और यू नो स्पेशली गोवा का ट्रिप बहुत ही औसम रहा है। और उसमें अगर इसमें हाईलाइट करना हो कि सबसे बेस्ट मोमेंट क्या था, वो था बाइक राइड, और जिसमें मतलब बाइक राइड करी थी मैंने और पापा ने अलग अलग, बहुत मजे आए थे। और मतलब ऐसे मोमेंट्स आपके साथ शेयर करने में ना बहुत मजा आता है मेरे को, और आई एम श्योर आप लोगों को भी मजा आया होगा। और गाइस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और आई नो कि आज कुछ खास नहीं था, और आई एम सॉरी, मतलब आई एम रियली सॉरी कि मतलब आज कुछ खास नहीं डाल पाया, और आप समझ ही सकते हो क्यों। और मतलब क्लासेस चल रही हैं, बीच बीच में काम आते जा रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा कुछ डालूं बढ़िया। और प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ, जिसके साथ भी करना हो शेयर ज़रूर करो। और आपको लाल रंग का बटन दबा देना है, जिन्होंने नहीं दबाया है तो वो प्लीज़ उस लाल को ग्रे में कन्वर्ट कर दो, और सब्सक्राइब हो जाओ मेरे साथ और इस जर्नी में मेरे साथ आ जाओ, और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दो ताकि आप मेरी वीडियो टाइम पे देख पाओ, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आपके दिमाग में सस्पेंस बना रहे, और वीडियो अब टाइम पे फिर से आ रही है धीरे धीरे करके। और गाइस आज के लिए बस इतना ही, एंड अंटिल देन हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट नाइट, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट।